वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अपने घर में खुश होकर तुम शादो आबाद हो। मेरे रमजान गुजर गए, ईद आ गई और जनाब ईद में पूरा महीना है ये तो ईद का। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ नए मसाले बनाना सिखा दूँ, जिसमें से मैंने आप लोगों को ये आज ये टिक्का मसाला बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए बलोची टिक्का मसाला जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वही जायका आएगा आपको। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये आज मैं आप लोगों को बलोची कढ़ाई टिक्का का मसाला बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ज़ीरा है, धनिया है और ये काली मिर्ची है। इन तीनों को मैं रोस्ट कर लूँगी। ये 4 टेबल स्पून धनिया है और 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्ची। अब मैं इन तीनों को रोस्ट कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये मैं इन तीनों को इसमें फ्राई पैन में डाल रही हूँ और अब मैं इन तीनों को रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इनको रोस्ट कर रही हूँ, बस जलाना नहीं है, बस ऐसा रोस्ट करना है कि इसमें से ज़रा हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। ठीक है, यानी भून लेना है हल्का हल्का सा, और उसके बाद इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। भूनने के बाद ग्राइंड करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या चीज़ें मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये पूरा अच्छा सा रोस्ट हो गया है और बड़ी प्यारा सा इसमें से अरोमा उठा है, प्यारी सी खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त ज़ीरा है, धनिया है, इसकी तो जब आप रोस्ट करते हैं तो एक अच्छी सी स्मेल आती है खुशबू यानी के। ठीक है, स्वीट स्मेल, प्यारी सी खुशबू। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ग्राइंडर में डाल के इनको मैं ग्राइंड कर दूँगी। ये देखिए, ये तकरीबन मैंने ग्राइंडर कर लिया है, लेकिन बस ये ऐसा दरदरा सा मोटा मोटा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसको इसमें निकाल लूँगी। और ये देखिए, ये मेरे पास घर में कसूरी मेथी है, मैंने घर में धो के सुखा के साफ़ करके रखा था। इसको भी मैं हल्का सा कसूरी मेथी को, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ठीक है, इसको भी मैं हल्का सा चला लूँगी बिल्कुल मामूली सा। बस ये हो गया, इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये मिक्स कर दिया। अभी से इसमें माशाल्लाह ऐसी खुशबू आ रही है बलोची टिक्के की। ये देखिए, मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, ये अमचूर पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये मेरे पास जनाब घर का पिसा गरम मसाला जो मैंने आपको सिखाया था, वो 1 टेबल स्पून है गरम मसाला, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये हमारे पास है काला नमक, ये 1 टीस्पून है हमारे पास, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और ये मेरे पास है जो मैंने आपको चाट मसाला सिखाया था, होममेड चाट मसाला, ये मेरे अपने हाथ का बना हुआ ये होममेड चाट मसाला, ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और लीजिए जनाब, ये आपका बलोची टिक्का मसाला तैयार है। बना के रख लीजिए, मेहमान आए झटपट से इसको मैरिनेट कीजिए चिकन को, और फटाफट से मैं, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखें, ये आपका बलोची टिक्का मसाला तैयार है। मैं इसको बॉटल में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा बलोची टिक्का मसाला इस रेडी। ये मैं इसको बॉटल में भर के रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो जनाब मैं इसे यूज़ करूँगी। इसमें ये जो हम डालते हैं कसूरी मेथी और काला नमक और अमचूर पाउडर, इससे इसका ज़ायका आता है। ये मेरे पास ये माशाल्लाह, आप देख लें, बड़ी फैमिली है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा यूज़ होगा मसाला, ज़्यादा चिकन होगा। छोटी फैमिली है तो जनाब 2 लेग पीस में 4 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, आराम से, और बिल्कुल वही जायका आएगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये जनाब बलोची टिक्का मसाला ये तैयार हो गया है। ये
ये लें जनाब, ये तैयार है हमारा बलूची टिक्का मसाला। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोगों के लाइक का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।